नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और ई टेंडरिंग का विरोध जो सरपंच कर रहे थे और आज शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, क्योंकि कल 29 तारीख को अमित शाह की रैली है, तो सरपंचों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको मंच दिखा दूं, बैनर लगा हुआ है गांव देहात पंचायत बचाओ शक्ति प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन। तो हरियाणा प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन ने आज ये दिखा दिया है कि कौन लोग उनके साथ हैं। तो मंच की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मंच पर जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का संगठन सरपंचों ने तैयार कर दिया था और ई टेंडरिंग का ये विरोध है, और फिलहाल जसियां गांव में छोटू राम धाम है वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये मंच की तस्वीरें। इसके बाद शक्ति प्रदर्शन में आपको दिखला देता हूँ कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर जो मैदान इस शक्ति प्रदर्शन के लिए रखा गया था वो मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार से जो इनकी डिमांड है कि ई टेंडरिंग को ख़त्म किया जाए, तो वो उसके लिए ये शक्ति प्रदर्शन है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोहतक छोटू राम धाम जसिया से सीधी तस्वीरें हैं। मैं अभी आपको जो तो बिल्कुल आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और किस कदर यहाँ पर हुजूम के तौर पर आया है, और बड़े ऐलान यहाँ से होने वाले हैं, क्योंकि सरकार का विरोध, सरकार का ई टेंडरिंग के लिए सरकार का ये विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार को अपनी शक्ति दिखाने का ऐलान आज 28 जनवरी को लेकर के सरपंच एसोसिएशन ने किया था, तो वो शक्ति इन्होंने दिखा दी है। और बिल्कुल जिस तरीके, क्योंकि कल अमित शाह की रैली गोहाना में है और उसको लेकर के भी ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाली बात थी। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। और अभी मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच से संबोधन चल रहा है और यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। जो कार्यकारिणी बनाई गई है, वो कार्यकारिणी जो प्रदेश स्तर का जो ऐलान हुआ था कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज वो तादाद इन लोगों ने दिखा दी है। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए ये रैली, ये जो जनसभा है ये की गई थी। और पंचायत बचाओ शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर यहाँ पर कहा गया था, तो जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। किस चीज़ का शक्ति प्रदर्शन है आज ये सरपंचों के जो ई ट्रेडिंग चालू करी है राइट टू रिकॉल, उसके विरोध में सरपंच भाई आए हैं सारी हरियाणा से, और हम सब विरोध करते हैं और सरकार को ये कानून वापिस लेना पड़ेगा और इनकी जिम्मेवारी सरपंचों को देनी पड़ेगी। तो कल अमित शाह की भी रैली है गोहाना, रैली का विरोध करेंगे अमित शाह की, हम सभी सरपंच इकट्ठा होकर उसका विरोध करेंगे और गाँव से आदमी आने से रोकेंगे कि उसी रैली में ना जाएं। आप बताएं जी कि जिस तरीके से अमित शाह भी कल शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने चुनाव की तैयारी के लिए आ रहे हैं, और उससे पहले आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया? हमारा शक्ति प्रदर्शन, हमारा भाईचारा हरियाणा का पूरा सरपंच एसोसिएशन यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम आज एक फैसला लेंगे। अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे, हम इसको काले झंडे दिखाएंगे, और हमारी जो ई टेंडरिंग के खिलाफ जो लामबंदी है हमारी सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की, वो जब तक ये गूंगी बैरी सरकार हमारी मान नहीं लेती, जब तक हम निचले नहीं बैठेंगे और हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। और हमारे ऊपर एक काला कानून राइट टू रिकॉल का भी थोपा हुआ है, उसका भी पूरी सरपंच बरादरी हरियाणा की इसका विरोध करती है और इससे तुरंत वापिस लेने की मांग करती है। ये अपने पर पहले अपने प्रयोग करो ना, ये MLA अपने प्रयोग करें, राइट टू रिकॉल ये अपने लगाएं, सेक्शन योग्यता, ये अनपढ़ आदमी भी सरपंच मंत्री बने बैठे हैं, ये हमारे पर प्रयोग कर रहे हैं। दो साल से जो प्री पार्टी ने चलाई हुई थी वो हमारे को थोप दी है और हमारे हाथों की पावर को छीन लिया है। हम मांग करते हैं हमारी 20 लाख की लिमिट की जाए और हमारी पावर को वापिस दिया जाए। हम एक नाली और गली भी नहीं बना सकते 2 लाख में, ऊपर से हमारी GST कट जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या? हम तो एक नीचे सफाई कर्मचारी से भी नीचे छोड़ दिया, सरपंच की पावर हमारी छीन ली है। हम पंचायत मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग करते हैं हमारी मांगों पर तुरंत विचार किया जाए, नहीं तो हम चंडीगढ़ को घेरेंगे और हम अपनी मांगों को मनवाएंगे और 2024 में इनको मजा चखाएंगे। अब छोटी इकाई क्या होती है,
मैं ये बात अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं डाटा गांव से आया हूँ जी, आसी ए ब्लॉक, सतपाल शर्मा सरपंच प्रतिनिधि गांव डाटा। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम सरपंचों की छवि सुधारने के लिए ही टेंडरिंग लेके आ रहे हैं। ऐसा जी, ये सरपंचों की आवाज़ नहीं है, हरियाणा प्रदेश की आम जनता की आवाज़ है और ये सरकार को माननी पड़ेगी। बुकलाने से बिखलाने से काम नहीं चलेगा। ये हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन हरियाणा प्रदेश की में छिड़ जाएगा और सरपंचों के साथ पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता है। जब तक इस पावर को 20 लाख की नहीं किया जाएगा और राइट टू रिकॉल्स का जो रूल किया सरकार ने उसको बंद नहीं करेगी, जब तक हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के सरपंच चुप नहीं रहेंगे। और जो अमित शाह जी आएंगे गोवाणा, उनको सेंटर के बड़े मंत्री हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार है बीजेपी की, उसको 2024 में लाने के लिए हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का मान सम्मान बढ़ाए और सरपंचों की जो पावर है 20 लाख की मांग रहे हैं उसको 20 लाख की करें, ताकि भविष्य में हरियाणा प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार आए और हरियाणा प्रदेश का भाईचारा मजबूत हो। तो कुछ लोग और हैं, आप बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप लोगों की छवि सुधारने के लिए ये जो ई टेंडरिंग है वो लेके आ रहे हैं। इससे कोई भी छवि नहीं सुधरती, सरपंच की छवि बिगड़ती है इससे, क्योंकि काम जो घटिया सामग्री से होता है। मेरा गांव दयाल सिंह कॉलोनी से सरपंच हूँ मैं, श्याम खांडा। मेरे गाँव में 11 लाख का टेंडर हुआ था, वो भी 17% माइनस पे लिया ठेकेदार। वो सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठेकेदार की कोई पर्सनली तनख्वाह दे रहे क्या? वो ठेकेदार भी उसी में कमीशन ले रहा है। मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि कल की डेट में 29 तारीख हो या तो मान जाए, या 2024 में यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे हरियाणा से। तो आप लोगों की छवि को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री? छवि को सरपंचों की छवि, हमारी छवि अच्छी है जो आए तो हमें सरपंच मन चुने हैं, सारी जनता ने मारती वोट दिए हैं, या छोटी सरकार बड़ी सरकार उठाने का काम करेगी। ये 1.5 साल के बाद आने वाले टाइम में मालूम लगेगा ये छोटी सरकार के है और बड़ी सरकार के है। ये कौन सा काम है? वोट तो मांगने आए जी ऊपर से, मैं कुछ ये सब भाषण देंगे, इनका गज्जा टोल्डे लगेंगे, इनका छोटी सरकार इनका बहुत बड़ा नुकसान करने का काम करेगी। आने वाले या अंबानी अडानी की सरकार है ना, या पूंजीपतियों की सरकार है, इसको बहुत बड़ा खमीजा भुगतना पड़ेगा। तो साफ तौर पर सरपंचों का गुस्सा देखा जा सकता है सरकार के खिलाफ, और कल 29 तारीख गोहाना में प्रदेश देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और उस रैली का भी ये विरोध करने की बात कह रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से राइट टू रिकॉल और इसके अलावा जो ई टेंडरिंग का इनके ऊपर थोपा जा रहा है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक ये वापस नहीं लेगी इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। और आज शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि सरपंच अपनी मांगों को लेकर लामबंद है और सरकार उनकी बात को सुने। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।